गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 13 चैप्टर, रिमेनिंग 13 चैप्टर फील्ड्स एंड फेसेस। हमने ये आधा चैप्टर पहले देखा था लास्ट पीरियड में, अभी हम ये 13 चैप्टर अभी जो बाकी है हमारा वो देखेंगे। तो आज हम निकालेंगे पेज नंबर 155। तो यहाँ पे देखो ये प्रैक्टिस टाइम दिए ना, स्क्वायर हैज अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की उसकी बाउंड्री दी हुई है, एक 12 सेंटीमीटर यानी उसकी बाउंड्री है, उसका क्या है ये पेरीमीटर है, उसका ये 12 सेंटीमीटर है। प्लस थ्री
11 सेंटीमीटर। अभी देखेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर डी। स्क्वायर डी की क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ, इसकी बाउंड्री निकालनी है, यानी इसका क्या है, डी का पेरिमीटर निकालना है। तो यहाँ पे हम दूसरा स्क्वायर, उसकी बाउंड्री दी हुई है, सब स्क्वायर है, यानी उसकी सब साइड क्या होगी, सेम ही होगी। तो यहाँ पे सबकी साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, उसकी बाउंड्री है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ डी स्क्वायर डी, तो क्या आएगा, 4L और 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर, 4×5 = 20, तो 20 सेंटीमीटर। तो हमने उसके क्या है, पूरी बाउंड्री 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कैसा, 1 1 सेंटीमीटर, द बाउंड्री ऑफ दिस 1 सेंटीमीटर इज, तो अब यहाँ पे इसकी 1 सेंटीमीटर की, ये 1 1 स्क्वायर वाला दिया है, तो उसकी कितनी बार करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कैन वी ऑल्सो से दैट द बाउंड्री ऑफ इज 4 × 1 सेंटीमीटर, तो 4 × 1 यानी कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कट करी हुई है 1 1 सेंटीमीटर की, कट करी हुई है, तो कितनी, 4 सेंटीमीटर वन बाउंड्री। कैन वी ऑल्सो से दैट द बाउंड्री इज 4 × 1 सेंटीमीटर = 4 सेंटीमीटर। अब हॉकी फील्ड इज 91 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर वाइड, हाउ लॉन्ग इज बाउंड्री ऑफ द फील्ड। हॉकी फील्ड इज 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका भी क्या है, हॉकी का ग्राउंड दिया हुआ है। इस चैप्टर में हमें पेरीमीटर फील्ड यानी उसका क्या है, एरिया, और फेंसेस यानी उसकी, उसका पेरीमीटर। तो ये चैप्टर में हमें क्या सीख रहे हैं, तो उसका एरिया निकालने का और उसका पेरीमीटर, जो भी दी, जो भी साइज दी है, या रेक्टेंगुलर दी है या स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक ऐसी हॉकी की फील्ड है, अभी कितना उसमें दिया है, 91 मीटर और 40 सेंटीमीटर, कैसा लॉन्ग है, एल है बराबर, और वो वाइड कितनी है, 55 मीटर बराबर, 55 मीटर वाइड है। मीटर 80 सेंटीमीटर उसका क्या आएगा, उसकी बाउंड्री।
हॉकी हमने उसका क्या निकालेगा, पेरिमीटर। हमें सब उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या होता है पेरिमीटर, तो 2 × (l + b) और ये हमने 91 मीटर और 40, इसको ऐसा पॉइंट भी लिया। उसके बाद इस टाइम हमने एडिशन करा और 2 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या मिला 292 मीटर 80 सेंटीमीटर। उषा एंड वल्सम्मा आर रनिंग फॉर रेस, वो दोनों क्या कर रहे हैं, रनिंग रेस, रेस लगाई हुई है। उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल, अभी वहां पे दो सर्कल दिए हुए हैं। इस तरह से सर्कल और ये दूसरा सर्कल, तो उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल, वलस्मा इज रनिंग ऑन द आउटर सर्कल। वलस्मा रन्स फास्टर देन उषा बट स्टिल द लॉसेस द रेस, कैन यू गेस व्हाई। अभी यहाँ पे कौन, यहाँ उषा कहाँ पे रनिंग कर रही है, इंदौर सर्कल, जो अंदर वाला सर्कल दिया ना उसमें, और जो वलस्मा है वो और ये यहाँ पे ये वलस्मा जो है वो कहाँ पे दौड़ रही है, पीछे बड़े वाले, लेकिन ये फास्ट भाग रही है और उषा उससे कम, अरे कम फास्ट भाग रही है, तो भी ये वलस्मा वो रेस हार जाती है। क्यों, तो हमें पता होना चाहिए भी इसका सर्कल कितना है, इसकी बॉर्डर कितनी है, कम है, और वलस्मा की बॉर्डर कितनी ज्यादा है ना, तो हम इसका यानी इस तरह से हम इसमें लिखेंगे कि वलस्मा की क्या है, तो उसकी बॉर्डरीज क्या है, ये सर्कल की बॉर्डरी ज्यादा है, तो इसलिए वलस्मा रेस हार जाती है। वलस्मा सर्कल्स बॉर्डरी एज बिगर देन उषा। हैव यू सीन एनी रेस वेयर रनर्स स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक इन दिस पिक्चर गेस अवे, आपने इस तरह से देखा है कि भाई ऐसे, हाँ हम जब रेस का देखते हैं ना तब नहीं, कोई कहाँ से स्टार्ट करता है ना, तो यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे ग्राउंड बताए। अब यहाँ पे ये इस तरह की रेस आपने देखी है, तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव सीन। स्कूल गार्डन, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd and 4th थॉट ऑफ मेकिंग अ विजिटेबल गार्डन। थर्ड के स्टूडेंट और फोर्थ के क्या सोच रहे कि हम विजिटेबल गार्डन बनाएंगे, चूज अ प्लेस विद लुक लाइक दिस। उन्होंने ऐसी प्लेस, अब यहाँ पे गार्डन 1 और गार्डन 2 ऐसा, और बीच में क्या है, पाथ है, रोड है वहां पे, तो वहां उन्होंने दो गार्डन ऐसे चूज करे। स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लासेस थॉट दैट गार्डन आई वॉज बिग गर्ल, सो बोथ वॉन्टेड टू टेक गार्डन 1। सडनली नीतू सेड आई थिंक बोथ गार्डन आर इक्वली बिग, क्वाइट पॉसिबल, लेट अस फाइंड आउट इफ यू आर राइट। अब वो सोच रहे कि वो बोल रहे मेरा यानी क्या है, ये दोनों वो बोल रहे दोनों गार्डन एक जैसे लग रहे, लेकिन उसको सही समझो तो हमें उसका एरिया निकालेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन सा गार्डन बड़ा है। हाउ मेनी नीड टू फाइंड आउट इफ द टू गार्डन आर इक्वली बिग, किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वो क्या निकालेंगे उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर से पता लग जाएगा कि कौन सा किसका पेरीमीटर बड़ा है, तो वो क्या करेंगे गार्डन 1 का पेरीमीटर, गार्डन 1 उसका पेरीमीटर और गार्डन 2 उसका पेरीमीटर और उसका एरिया भी है ना, एरिया से पता चलेगा कि वो कौन सा गार्डन बड़ा है, तो इस तरह से उनका पेरिमीटर और उसका गार्डन का उसका एरिया निकालेंगे तो उसे पता चलेगा कि कौन सा गार्डन, गार्डन 1 या गार्डन 2, इस तरह से हम बता सकते हैं कि भाई एरिया और पेरिमीटर निकाल के वो बता सकते हैं। लुक एट
डू नॉट हेल यू गैप बिटवीन द बुक्स। अब बुक्स का एक टेबल दिया हुआ है और टेबल पे कितनी बुक्स रख सकते हो ये हमें बताना है, तो बिल्कुल गैप रखनी नहीं है और एक के ऊपर एक भी रखनी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बुक का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, और जो टेबल है उसका एरिया। हम पहले टेबल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद बुक का एरिया निकालेंगे, और जो नंबर ऑफ बुक्स हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो एरिया आएगा टेबल का उसको क्या करेंगे, बुक वाले एरिया से डिवाइड करेंगे। तब हमें बुक की यानी बुक का हमें जो बुक नंबर ऑफ बुक्स मिलेंगे कि हम कितने रख पाएंगे। नाउ लुक फॉर अनादर टेबल। अब यहाँ पे ये अनादर टेबल अलग टेबल के लिए, तो अलग अलग टेबल पे क्या होगा, टेबल की साइज जैसे छोटी बड़ी होगी उसमें कम ज्यादा बुक रख पाएंगे। अब यहाँ पे विच इज द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर, तो यहाँ पे देखो जितने ज्यादा पिक्चर के अंदर क्या करने है, हमें स्क्वायर काउंट करने और जितने और हाफ सर्कल भी काउंट करने, और जो जिसमें ज्यादा सर्कल होगा जिसमें ज्यादा स्क्वायर होंगे वो सबसे बड़ा लीफ होगा। तो ये हम हमारे पीडीएफ में, ये मैं आपको पीडीएफ में दूंगी। अभी यहाँ देखते हैं कि ये भी स्क्वायर हमें यहाँ पे काउंट करना है, तो ये सेम हमारे वर्कबुक में ऐसा ही है और ये वर्कबुक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।